हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत के ऐसे भूतिया जगह है जहां रहती है आत्माएं, डर के मारे कोई आसपास भी नहीं भटकता। अनजाने स्थान और रहस्य, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं और देखने को उतर होते हैं। लेकिन ये सब क्या सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं क्या? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा करके रखती है? ऐसे कई अनगिनत सवाल अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात लागू होती है, जहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत डायन आदि को मानते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? आज हम ऐसी ही भूतिया डरावनी जगहों के पीछे की कहानी जानेंगे। भानगढ़ का किला। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल भाषा में भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में यहाँ भानगढ़ बसता था। 300 सालों तक भानगढ़ को फलता फूलता रहा, लेकिन फिर यहाँ की एक राजकुमारी रत्नावती पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को वश में किया, लेकिन एक दिन वो खुद ही उसका शिकार होकर मर गया। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ में बर्बादी श्राप मिल जाता है। संयोग से उसके एक महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज भी वीरान है। कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते रहते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण आज तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई है। ये जगह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी रखी है। लोगों का मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वही भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी दूसरी जगह है थ्री किंग्स चर्च गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाल राजाओं की आत्माएं भटकती है। कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाल राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती। एक बार होलगेर नाम के राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से सहे देकर उन्हें मार डाला। जब लोगों को होलगेर के इस बात का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता का क्रोध आक्रोश देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफन किया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। तीसरी जगह है पिसावा के जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप उठता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सरसर आवाज आती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास ये स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंसकरिल और जीवों का बसेरा है। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे ये वही है। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। मान्यता है कि पिसावा के इस जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ऐसा कर लेता है तो उसका बुरा हो जाता है। एक ग्रामीण ने बताया है कि एक घमंडी दबंग यहाँ से पेड़ों को काट कर बेचने चला था तो उसके पशु मर गए थे। वृक्ष काटने वाले आदमियों के नाक से खून बहने लगा था और वो भाग खड़े हुए थे। यहाँ आसपास कई पुराने खंडर हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जा सकते। अगली जगह है कुलधरा गांव जैसलमेर। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव
गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, जो पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली कर चले गए थे और जाते जाते श्राप भी दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता गांव आज रूहानी ताकतों के कब्जे में है, ऐसा कहा जाता है। आज टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई यहां आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाजें आती है, महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियां पायलों की आवाजें हमेशा यहां से आती रहती है। इस वजह से यहाँ का माहौल भयानक बन जाता है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गई थी। अगली जगह है जमाली कमाली मस्जिद और कब्र महरौली दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव हुए हैं। सूफी संत जमाली लोधी हुकूमत के राजकवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक जमाली को काफी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान हुआ था। डरावने अनुभवों की वजह से यहाँ हर कोई जाने से डरता है। अगली जगह है डाउ हिल कुर्सियार पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक हिल स्टेशन है। इसकी दार्जिलिंग से दूरी 33 किलोमीटर है। कुर्सियार का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद आर्किड की भूमि। कुर्सियार मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है। पर कुर्सियार से लगती डाउ हिल से एक मिस्ट्री भी है, जो कि इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल करती है। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना एक आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सी सिरहन और दर्द महसूस किया जा सकता है। एक लकड़हारे का तो ये कहना है कि उसने जंगल में एक युवा लड़के की सिरकटी लाश को चलते हुए देखा है, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में कहीं गायब हो गई। डाउ हिल के जंगलों में जाने वाला कोई भी शख्स इस बात से इनकार नहीं करता कि ये जगह हॉन्टेड हो या ना हो, पर डरावनी बहुत है। अगली जगह है मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश की एक जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। ये बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। यहाँ से लगभग 650 मीटर के अंदर ये बंगला है, जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। आज़ादी मिलने तक ये सब एरिया मुख्यालय था, जहाँ मेरठ की छावनी हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस बंगले में डरावनी आवाजें आती है, भूत प्रेत का साया है, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए कई सालों से ये बंगला ऐसे ही पड़ा है, जहाँ पर कोई भी जाने से डरता है। तो ये थे भारत के भूतिया जगह, जहाँ पर 21वीं सदी में भी लोग आत्माएं भूत होने का दावा करते हैं। सोचिए अगर वाकई में ऐसी कहानियां हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा।